टी20 वर्ल्ड कप 2022 इन वीएस ऑस प्रैक्टिस मैच सोमवार को भारत का सामना ऑस्ट्रेलिया से था। टीम इंडिया फिलहाल टी20 में दुनिया की नंबर वन टीम है। वहीं ऑस्ट्रेलिया डिफेंडिंग चैंपियन है। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 186 रन बनाए। जवाब में ऑस्ट्रेलियाई टीम 20 ओवर में 180 रन पर सिमट गई। भारत ने 6 रन से मैच जीता। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को टी20 वर्ल्ड कप के प्रैक्टिस मैच में 6 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 20 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 186 रन बनाए। केएल राहुल ने 33 गेंदों में 57 रन और सूर्य कुमार यादव ने 33 गेंदों में 50 रन की पारी खेली। जवाब में डेथ ओवर्स में भारत की शानदार गेंदबाजी और फील्डिंग की बदौलत ऑस्ट्रेलियाई टीम 20 ओवर में 180 रन पर ऑल आउट हो गई। आखिरी 5 ओवर में ऑस्ट्रेलिया को 43 रन की जरूरत थी, तब उसके 8 विकेट बचे थे। फिंच और मैक्सवेल बल्लेबाजी कर रहे थे। इसके बाद भुवनेश्वर कुमार ने 16वें ओवर में सिर्फ 4 रन दिए और 1 विकेट लिया। 17वें ओवर में अश्विन ने 10 रन दिए। 18वें ओवर में अर्शदीप गेंदबाजी के लिए आए और 13 रन दिए। पिछले कुछ समय से टीम इंडिया के लिए 19वां परेशानी का सबब रही है। हालांकि इस मैच में हर्षल पटेल 19वां ओवर लेकर आए और सिर्फ 5 रन खर्च किए। इस ओवर में 2 विकेट भी गिरे। हर्षल ने पहले फिंच को क्लीन बोल्ड किया, फिर इस ओवर में विराट कोहली के डायरेक्ट हिट पर टिम डेविड रन आउट हुए। 20वें ओवर में मोहम्मद शमी पहली बार गेंदबाजी के लिए आए, उन्हें 11 रन बचाने थे। सामने पैट कमिंस और जोश इंग्लिस थे। शमी के आखिरी ओवर का रोमांच, पहली गेंद पर शमी ने 2 रन दिए, दूसरी गेंद पर फिर 2 रन बने, तीसरी गेंद पर कमिंस ने शॉट खेला, इस पर बाउंड्री पर कोहली ने एक हाथ से शानदार कैच लपका, चौथी गेंद पर एश्टन एगर रन आउट हुए, पांचवीं गेंद पर शमी ने जोश इंग्लिस ने कोयोकर पर क्लीन बोल्ड किया। इसके बाद ओवर की आखिरी गेंद पर शमी ने केन रिचर्डसन को क्लीन बोल्ड किया। इस तरह शमी की आखिरी 4 गेंदों पर 4 विकेट गिरे, इनमें से 3 विकेट शमी ने लिए और 1 रन आउट रहा। शमी ने आखिरी ओवर में सिर्फ 4 रन लुटाए और भारत यह मैच 6 रन से जीत लिया। ऑस्ट्रेलिया की ओर से कप्तान एरॉन फिंच ने सबसे ज्यादा 76 रन बनाए। इसके अलावा मिचेल मार्श ने 35 रन की पारी खेली। भारत की ओर से मोहम्मद शमी ने 1 ओवर फेंककर सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए। वहीं भुवनेश्वर कुमार ने 3 ओवर में 20 रन देकर 2 विकेट लिए। अर्शदीप सिंह ने 3 ओवर में 34 रन लुटाए और उन्हें 1 विकेट मिला। हर्षल पटेल ने 3 ओवर में 30 रन दिए और 1 विकेट झटका। चहल ने 3 ओवर में 28 रन देकर 1 विकेट लिया। अब भारतीय टीम 19 अक्टूबर को दूसरे प्रैक्टिस मैच में न्यूजीलैंड की टीम से भिड़ेगी।